जिस तरह से बिछे हुए हैं नरेंद्र मोदी जी ट्रंप साहब के स्वागत में, और ट्रंप ने वहां कह दिया कि 1 करोड़ लोग हमारे स्वागत के लिए वहां रहेंगे, और जिस तरह से पिछले 10-15 दिन से पूरा प्रशासन जो है गुजरात का, भारत सरकार का, लगा हुआ है कि कैसे अधिक से अधिक लोग जो है नमस्ते ये करने के लिए, और इवेंट का जो मैनेजमेंट जिसके जिम्मे है, जिस संस्था का नाम लिया जा रहा है उसका आता ही पता नहीं है, किसी को जानकारी नहीं है, यानी यहाँ तक कि आरटीआई से भी लोगों ने दरियाफ्त करना चाहा, नहीं पता चला। दूसरी तरफ ट्रंप साहब आ रहे हैं इस उपदेश देने के लिए कि देखिए ये धार्मिक आज़ादी रहनी चाहिए, डेमोक्रेसी में ये जरूरी है, और जो CAA बना है यहाँ नागरिकता कानून में जो संशोधन हुआ है उसको लेकर भी चिंतित है, और यही नहीं कह रहे हैं कि भारत जो है अमेरिका को बहुत परेशान कर रहा है, हमारे यहाँ से जो चीज़ें वहाँ जाती हैं उस पर टैक्स जो है बढ़ा दिया है, और दूसरे तरफ अमेरिका ने भारत को विकासशील देश से विकसित देश का दर्जा दे दिया है, उसका नतीजा है कि विकासशील देश के रूप में भारत को जो वहाँ रियायत मिलती थी वो रियायत भी ख़त्म हो गई। इसलिए अब देखिए वो तो आएंगे तो इस बात के लिए दबाव डालेंगे कि उनके यहाँ से जो सामान निर्यात होता है, भारत आयात करता है, उस पर जो है टैरिफ घटाइए, टैरिफ। अब वो अमित ये क्या नाम है नरेंद्र मोदी जी अपना जो है घटवा पाते हैं कि नहीं, ये भी देखने की बात है, और इन्वेस्टमेंट क्या होता है ये भी देखा जाए। देखिए जिस तरह से वीजा के मामले में अमेरिका ने परिवर्तन किया है उससे मैंने भारतीय लोगों को नुकसान है, हालांकि हम एक मामले में अमेरिकन सोसाइटी को दाद देंगे कि भारतीय मूल के लोग वहाँ माने फेडरल कोर्ट में जज भी हो रहे हैं, सरकार में मंत्री भी हो रहे हैं, महत्वपूर्ण माने जिम्मेवारी निभा रहे हैं, शहर के मेयर भी हो जा रहे हैं, तो इस मामले में अमेरिकन समाज की जो उदारता है वो उदारता की हम सराहना करेंगे, और हम भारत को हम कहेंगे कि इस मामले में सीखना चाहिए। तो जो कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी, अब देखिए उसका क्या नतीजा निकलता है बातचीत में। देखिए हमको आश्चर्य है, हमको बल्कि अपने देश के जो लोग हैं, भारतीय लोग हैं, उन पर कभी कभी फख्र भी होता है, जिस ढंग से इस मामले को कॉमनलाइज किया गया है, जिस तरह की भाषा जो है सरकार की ओर से बोली जा रही है, और दिल्ली के चुनाव में जो कुछ कहा गया उसके बावजूद जो है देश में एक ढंग से शांति है, इसके लिए तो भारतीय जनता को सलाम करनी चाहिए। हमारे यहाँ जो भारतीय समाज का जो DNA है उसमें इस तरह का जो ये लोग कोशिश कर रहे हैं कॉमनलाइज करके, झगड़ा लगा करके दो समुदायों के बीच में, इस झांसे में लोग अभी तक नहीं आ पाए, और हमको उम्मीद है कि इनकी कोशिश जो है नाकामयाब होगी। हमारे देश में उस तरह का मिजाज लोगों का नहीं है, और जनता जो है इस बात को समझ रही है, इसलिए आप देखिएगा कि लोकसभा चुनाव में पुलवामा के बाद तो देश का माहौल ही बदल गया। पुलवामा के बारे में आज तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई कि वो कैसे हुआ, क्या हुआ, गाड़ी का जो इस्तेमाल हुआ है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर अभी तक पता नहीं चल पाया है कि किसकी गाड़ी है, ये स्थिति है। तो ये कोशिश जो कर रहे हैं लोग, जफराबाद में जो कुछ हुआ हम इसको अपवाद मानते हैं, देश में जफराबाद के अलावे और कहीं कोई खबर नहीं आई है इस तरह की। कपिल मिश्रा क्या है, वही है जो लोग कोशिश में लगे हुए हैं। चुनाव, दिल्ली चुनाव के समय भी इनका जो डायलॉग था वो सब आदमी देखा है। तो ये लोग यही कह रहे हैं, एक तरफ सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि साहब जो भारतीय मुसलमान हैं उनके ऊपर कोई खतरा नहीं है, यही बात उद्धव ठाकरे जी ने भी कही। ये जो जिस तरह की भाषा बोली जा रही है उससे कौन आश्वस्त होगा कि नहीं साहब कोई माने हमारे ऊपर खतरा नहीं है, जहां कि राज ये आके भारत सरकार के मंत्री बोल रहे हैं कि हमारे पुरखों से गलती हो गई, जिस समय देश का विभाजन हुआ तो सारे मुसलमानों को पाकिस्तान चला जाना चाहिए था, उसका हम खामियाजा भोग रहे हैं। मतलब देश में मुसलमानों की मौजूदगी को टॉलरेट करने के लिए तैयार नहीं। ये जो क्या नाम है अनुराग ठाकुर ने जो वहाँ सार्वजनिक रूप से मंच पर जो कहा उसके बारे में क्या किया इन लोगों ने? ये जो अनंत हेगड़े है जिसने कहा कि ये जो कहा जाता है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में
स्वतंत्रता संग्राम चला देश का, वो ड्रामाबाजी है। तो एक तरफ आप आश्वस्त करते हैं, राजनाथ सिंह का भी बयान देखे, और दूसरे तरफ आपके लोग इस तरह की भाषा बोल रहे हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई आप नहीं कर रहे हैं। तो ये मुंह से आप क्या बोल रहे हैं उससे मतलब नहीं, आपके जो फुट सोल्जर हैं, आपके जो कार्यकर्ता हैं, आपके जो छोट भैया नेता हैं, वो किस तरह की भाषा बोल रहे हैं उसी से कोई आदमी निष्कर्ष निकालेगा। अब इनके साथ दिक्कत है कि इनकी इतना मुंह है, एक मुंह कुछ बोलता है, दूसरा मुंह कुछ बोलता है। अब एक जो है विश्व हिंदू परिषद का बोल दिया कि कोरोना जो है, ये जो बीमारी आई है चीन में, वो इसलिए आई है कि ये लोग जो है नॉन वेज खाने वाले लोग हैं, ये जो है वेजिटेरियन खाना शुरू करें और कौनची का पूजा करें उसे ठीक हो जाएगा, ये हालत है इनकी। जी हाँ, सौभाग्यशाली हैं, लेकिन उनका दुर्भाग्य है कि इसी देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए आपातकाल के खिलाफ आंदोलन चला और उसमें सरकार के सामने ये लोग समर्पण किए रहे। यही भी है, कितने लोग जेल गए, इनके जो सर संचालक थे उस समय, उन्होंने बजाबते इंदिरा गांधी को एक से अधिक पत्र लिखा बिसूत्री का समर्थन करेंगे, और उस दरमियान जो है आरएसएस पर प्रतिबंध लग गया था और कहा कि हमारे जो स्वयंसेवक हैं, ये जो आपने बिसूत्री कार्यक्रम रखा है देश के हित में है और हम इसको ये करेंगे। तो इनके सौभाग्यशाली हैं। हमको तो आश्चर्य लगता है कि गेरुआ वस्त्र पहनने का अधिकार जो है जोगी को कैसे, गेरुआ वस्त्र पहना है विवेकानंद जी ने, गेरुआ वस्त्र पहना है अभी दो दिन पहले जिसका हम लोग ये मनाए सहजानंद स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, रामकृष्ण परमहंस या दूसरे जो संतों ने पढ़ा है, और इनका देखिए बोली वाणी वचन कर्म गेरुआ वस्त्र पहनने लायक है ये योगी आदित्यनाथ। निश्चित रूप से हमको लगता है कि इसमें विलम्ब हो रहा है, और विलम्ब हो रहा है और ये ठीक नहीं है, क्योंकि देश के अंदर जो कट्टरवादी ताकतों से लड़ाई है, संघर्ष है, उसका नेतृत्व जो है कांग्रेस करेगी, ये सब लोगों को अपेक्षा है, लेकिन कांग्रेस जो है उस ये में मोड में दिखाई नहीं दे रही है। अभी इसी उहापोह में कांग्रेस पड़ी हुई है कि हमारा कौन नेतृत्व करेगा, कौन नेता होगा। इतने दिनों से राहुल गांधी पर लोगों ने प्रयास किया, राहुल गांधी नहीं तैयार हैं तो भाई दूसरे को दीजिए मौका। ये तो इस तरह से मैंने डोल्ड्रम वाली स्थिति, मैंने देश की राजनीति करी है और लोकतांत्रिक राजनीति के लिए ठीक नहीं है।